हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीएल इंडिया। हम टेंसेस के ऊपर स्पोकन सीरीज को कर रहे हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जहां पर कुछ ऐसी बात होती है, हम लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है जी, ऐसा हो रहा होगा। हम भविष्य की तरफ देखते हैं या भविष्य में झांकते हैं और भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा। अब आप बोलेंगे, यार सेम बात तो सर ने मुझे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी बताई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हमने आपको सेम ही बात बताई थी, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है। वो क्या होता है कि हमें ये भी पता होता है कि काम कब से हो रहा होगा या कितनी देर से हो रहा होगा। ठीक है जी, या कितनी देर से हो रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कब से के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और कितनी देर से के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बातें आपको एग्जांपल्स के थ्रू जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, इमेजेस लगाएंगे, सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, तो आपको डेफिनेटली वो समझ में आ ही जाएंगी। जल्दी से हम रूल्स को रिवाइज करते हैं। रूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे हम, क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए। जब चैनल पर आप आते हैं तो प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, उसको क्लिक करिए। वहाँ पर आपको टेंसेस की ग्रामर सीरीज़ दिखाई पड़ेगी और उस सीरीज़ में हमने हर एक टेंस के जो रूल्स हैं उनको अलग अलग डिटेल में डिस्कस किया। चलिए जल्दी से इसको हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी कि जिसमें कोई बात कही जा रही है बस, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद विल या शैल का एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब हैव, उसके बाद बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और समय के रेफरेंस के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। निगेटिव बनाना होगा तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल या शैल को उठा करके हम क्या रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह रहेंगी। और इंट्रोगेटिव को भी निगेटिव बनाना है तो विल या शैल को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रख देंगे। तो ऐसा सेंटेंस बन जाएगा जो कि इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो। तो ये कुछ रूल्स थे जिनको मैंने यहाँ पर आपको बताया। मेन पॉइंट प्रैक्टिस सेशन के अंदर रूल्स को डिस्कस करना नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो सिचुएशंस के माध्यम से आपको एक इस बात को समझाने की कोशिश करनी है कि किन सिचुएशंस में हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सिचुएशंस को देखते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको इस सिचुएशन में दिखाई दे रहा होगा कि कोई बंदा है जो कि कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है। अगर आपको भी किसी को पढ़ाना हो, किसी बच्चे को ट्यूशन ही क्यों ना पढ़ाना हो, आप ज़रा अपने दिमाग में सोचिए कि यार कल ना मैं सुबह 8 बजे ये क्लास देना स्टार्ट करूँगा, यानी कि पढ़ाना स्टार्ट करूँगा या लेक्चर देना स्टार्ट करूँगा, और इस बच्चे के एग्ज़ाम हैं तो कई घंटे पढ़ाना होंगे। अब आप सोच रहे हैं और 12 बजे तक ना मुझे पढ़ाते पढ़ाते 4 घंटे हो चुके होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब आप ऐसी एक सिचुएशन में होते हैं जिसमें आप कोई इस तरह की बात सोचते हैं या बोलते हैं या कहते हैं कि भविष्य में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ चीज़ें सेम रहती हैं। लेकिन आप जब इससे आगे बढ़ करके ये भी सोचते हैं कि यार ना इतना टाइम हो चुका होगा ऐसा करते करते, ठीक है जी, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक इमेज लगाई, इमेज से एक मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ और आप इस सिचुएशन को अपने दिमाग में सोचिए और इस सिचुएशन को आप आगे आने वाले समय के लिए सोचिए कि आपको लेक्चर देना है और आप लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो चुका होगा। ठीक है जी, तो आप देखिए ज़रा इस सेंटेंस को मैं कैसे बना रहा हूँ। अब पूरी मैं बात यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आई शैल स्टार्ट माई लेक्चर एट 8 AM टुमारो। मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ कि भाई मैं अपना लेक्चर ना कल सुबह 8 बजे स्टार्ट करूँगा, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, बाय 12 बजे तक आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा है यहाँ पर कि मैं अपना लेक्चर कल सुबह 8 बजे स्टार्ट करूंगा, मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि 12 बजे तक आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स, यानी 12 बजे तक मैं तकरीबन 4 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा।
आप सोच रहे हैं दिमाग में, क्योंकि आप आगे आने वाले समय के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है जी, सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें आप ऐसा बोलते हैं, कहते हैं या सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, और कितनी देर से हो रहा होगा या कब से हो रहा होगा, वो भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है या आप देते हैं सामने वाले को, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए, आई के साथ शेल आ गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ शेल आता है। दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर हैव आ गया, तीसरे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर बीन आ गया, आई शेल हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। और आप देख रहे हैं यहाँ पर समय के लिए टाइम के दो रेफरेंस मौजूद हैं, एक तो 4 घंटे से पढ़ा रहे होंगे और बाई 12 यानी कि 12 बजे तक आई शेल हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। तो इस तरह की सिचुएशन में नॉर्मली टाइम के दो रेफरेंस मिलते हैं, एक तो कब से या कितनी देर से काम हो रहा होगा, और एक और टाइम का रेफरेंस मिलता है जिसके लिए हम बाई जैसे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो एक सिचुएशन के माध्यम से मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझाने की कोशिश करी। एक सिचुएशन और लेते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए एक और सिचुएशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपको। एक प्लेन की इमेज दिखाई पड़ रही है, अक्सर हम लोगों को कहीं बाहर जाना होता है, इंडिया में ही कहीं दूसरे सिटी जाना होता है या आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, तो वी टेक फ्लाइट्स। तो एक ऐसी सिचुएशन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक प्लेन है और ये सेंटेंसेस मेरे आ रहे हैं आपके सामने। ये सेंटेंसेस आप पढ़िए, मैंने लिखा है कि आई हैव अ फ्लाइट दिल्ली टू न्यूयॉर्क टुमारो एट 6 AM। मैं आपसे बता रहा हूँ कि भाई कल मेरी दिल्ली से न्यूयॉर्क कल सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक बात बताई, और उसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इट विल रीच द डेस्टिनेशन एट 8:30 PM IST। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन टाइम के हिसाब से। तो ये इट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया है कि इट विल रीच द डेस्टिनेशन, यानी कि न्यूयॉर्क जाने की बात हो रही थी, तो ये फ्लाइट डेस्टिनेशन पर 8:30 बजे पहुँच जाएगी। ये सब आगे आने वाले समय की बात हो रही है, यानी कल की बात हो रही है, वो कल जो कल आएगा, ठीक है। अब मेन वो सेंटेंस आने जा रहा है जिसमें मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया है। अभी तक तो मैं एक सिचुएशन आपको समझाना चाह रहा था कि कल मेरी फ्लाइट है न्यूयॉर्क की, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, और कल इंडियन टाइम से 8:30 बजे रात को मेरी फ्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। अब आगे देखिए क्या मैं आपको बता रहा हूं, क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि बाई 8 यानी कि 8 बजे रात तक I shall have been flying for 14 hours. मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि भाई इतनी लंबी फ्लाइट होगी कि कल रात में 8 बजे की अगर बात की जाए तो मैं तकरीबन 14 घंटे से उड़ रहा होऊंगा या फ्लाइट में होऊंगा, ठीक है जी। तो एक काम है जो चल रहा होगा, जाहिर सी बात है आप एक आप कहीं जाते हैं तो एक फ्लाइट की एक ड्यूरेशन होती है, और आप किसी दूसरी कंट्री जाते हैं, स्पेशली आप अक्रॉस अटलांटिक जाते हैं न्यूयॉर्क या कनाडा में किसी दूसरी सिटी, तो बड़ी लंबी फ्लाइट्स होती हैं। तो वही आप एक जिक्र कर रहे हैं कि भैया 14 घंटे से मैं उड़ रहा होऊंगा, ठीक है ना। आप बात को खींच रहे हैं क्योंकि वो ड्यूरेशन इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर। तो आई शेल हैव बीन फ्लाइंग फॉर 14 आवर्स। तो ऐसी सिचुएशंस में जिसमें कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, और कब से हो रहा होगा या कितनी देर से हो रहा होगा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया कि आई शेल हैव बीन फ्लाइंग फॉर 14 आवर्स, कि मैं 14 घंटे से उड़ रहा होऊंगा, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और सिचुएशन को बता रहा हूँ। इसी तरह के सिचुएशंस में अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? शेल के तुरंत बाद आप नॉट लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? शेल को उठा करके आप सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा निगेटिव बनाने की भी और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। मेन आपके दिमाग में वो सिचुएशंस फिट होना चाहिए जिन सिचुएशंस में आपको एक टेंस का इस्तेमाल करना है, तभी आप एक्चुअल में आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव होता हुआ देख पाएंगे, ठीक है जी। वो रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला है। एक और सिचुएशन मैं आप लोगों के सामने लगाने जा रहा हूँ। चलिए आप लोगों के सामने एक ये सिचुएशन और आ रही है, और ये सिचुएशन जो है वो एक ऑफिस की है जिसमें आपको बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं इन व्यक्ति की, इन साहब के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जो अपने लैपटॉप के ऊपर बिजी हैं और कुछ काम करें। देखिए, मैं इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते करते मैं आपको एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल भी दूंगा। तो सबसे पहली बात आ रही कि भाई ये मिस्टर सैम है, ही इज़ सैम, ही ज्वाइंट दिस कंपनी December 2012, और उन्हीं ने इस कंपनी को December 2012 में ज्वाइन किया था। अब आगे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ बाय दिसंबर दिस ईयर, दिस ईयर को भी मैं बता दूँ, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 2016 में ही क्लास डिलीवर कर रहा हूँ और अभी दिसंबर आया नहीं है, तो अभी 2016 में दिसंबर आएगा। और मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ कि बाय दिसंबर दिस ईयर, भाई इस साल दिसंबर 2016 में ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 ईयर्स, कि उन्हें भाई काम करते करते 4 साल हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर 2012 में उन्हीं ने ज्वाइन किया था, अब दिसंबर 2016 आ जाएगा और उनको काम करते करते 4 साल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब हम भविष्य के बारे में, आगे आने वाले समय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दिसंबर 2016 अभी आया नहीं है, दिसंबर 2016 आएगा, और वहाँ पर मैं आपके साथ एक थॉट शेयर कर रहा हूँ जो अभी हुआ नहीं है, होगा, ठीक है जी। और वहां पर एक काम का जारी रहना मैं शो कर रहा हूं कि भाई काम करते करते उनको समय हो जाएगा, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि भाई कितना समय हो जाएगा, 4 साल का समय हो जाएगा। तो जब हम भविष्य के बारे में बोलते हैं या सोचते हैं और भविष्य के अंदर झांक करके जब हम ऐसा बोलना कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि वो काम कब से हो रहा होगा या कितनी देर से हो रहा होगा, तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक है, उसके साथ पहला ऑक्सिलरी वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया हैव, तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है जी। और अभी इन्हीं वाक्यों को आपको निगेटिव बनाना है तो विल के तुरंत बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, कि ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 4 ईयर्स, तो वो 4 साल से काम नहीं कर रहा होगा। या अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना तो विल उठा करके ही से पहले आ जाएगा, विल ही हैव बीन वर्किंग फॉर 4 ईयर्स, क्या दिसंबर 2016 में उसे काम करते करते 4 साल हो जाएंगे, क्या वो 4 साल से काम कर रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो एक और सिचुएशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी, और इस सिचुएशन के जरिए से, इस सिचुएशन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किन सिचुएशंस में किया जाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक किताब के अंदर 20 सेंटेंसेस लिखे हों जिसमें ऐसा लिखा हो कि वो खेल रहा होगा, जो सीता कपड़े धो रही होगी, बच्चे खेल रहे होंगे, तो वो एक दिमाग में आइडिया नहीं क्लियर होता है कि यार ये कहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है, ये कहाँ पे यूज होगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या कोई भी टेंस। और यही मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो सिचुएशन क्रिएट करके आपको समझा पाऊँ कि यार इन सिचुएशंस में ना ये टेंस इस्तेमाल होना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ ही मैं इस क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप कर रहा हूँ, और सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास विद अनदर प्रैक्टिस सेशन विद अनदर टेंस। Thank you so very much for now.